नमस्कार भक्तों, जय मां भद्रकाली, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भक्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अपने शत्रु को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो आपका शत्रु हो या गुप्त शत्रु हो, तो उस व्यक्ति को नामर्द कैसे बनाया जाए। जी हाँ, बहुत से लोगों ने हमसे प्रश्न पूछा और ऐसा उपाय, क्योंकि हमने पहले भी इस विषय के ऊपर बहुत से उपाय बताए हुए हैं, लेकिन लोगों ने सरल से सरल उपाय पूछने की चेष्टा की। तो आज हम आपको सबसे सरल उपाय बताने जा रहे हैं अपने शत्रु को नामर्द बनाने का। जी हाँ, एक ऐसा टोटका जिसको करते ही बड़े से बड़ा शत्रु हो, या आपके घर के परिवार का सदस्य हो, या आपका पड़ोसी हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसे आप नामर्द बनाना चाहते हैं, नापुंसक बनाना चाहते हैं, तो यह टोटका करते ही वह व्यक्ति अपनी कामुक शक्ति खोकर हमेशा हमेशा के लिए नामर्द हो जाएगा। तो भक्तों, इस यंत्र शक्ति के द्वारा ना तो कोई मंत्र रहेगा, ना ही कोई जाप रहेंगे, आप अपने शत्रु को सीधा नामर्द बना सकते हैं। सिर्फ आपको कुछ चीज़ें करनी होंगी, वो हम इस वीडियो के अंत तक आपको सारी चीज़ें बताएंगे। अगर आप विधि पूर्वक इस टोटके का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो आपका शत्रु हो, चाहे आपका मित्र हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, वह हमेशा हमेशा के लिए नामर्द बन जाएगा। भक्तों, बहुत से लोग अपने तरीके से इस टोटके का फ़ायदा उठा सकते हैं, तो अगर आप भी इस टोटके का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, तब ही आपको इसकी पूरी जानकारी मिल पाएगी और इसकी पूरी विधि को आप अच्छे से समझ पाओगे। तो भक्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले नीचे दिए बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले आइकन के ऊपर क्लिक करें, ताकि हमारे द्वारा बनाया हुआ हर टोटके का वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। भक्तों, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या हो जिसका समाधान आप चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों से आप हमें संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो भक्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ शत्रु को नामर्द करने का टोटका, यह आपने बहुत ही महत्वपूर्ण के दिन यह टोटका किया जाता है। जी हाँ, जिस दिन सोमती अमावस्या हो। जी हाँ भक्तों, अगर सोमवार की अमावस्या जिस दिन आती है, आपने उस ही दिन इस टोटके को करना है। अगर आप किसी और दिन इस टोटके को करने की कोशिश करेंगे, तो शायद आपको इसके बेहतर परिणाम और लाभ ना मिल पाए। तो आप कोशिश कीजिएगा कि सोमती अमावस्या को ही आप इस टोटके का इस्तेमाल करें, तब ही आप अपने शत्रु को हमेशा हमेशा के लिए नामर्द बना सकते हैं। तो भक्तों, आपने क्या करना होगा कि आपने सफ़ेद रंग का रेशम का कपड़ा लेना है। जी हाँ, रेशम का चमकदार कपड़ा आपने लेना है, और आपने एक यंत्र जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये ध्यान से देख लीजिए इस यंत्र को। इस यंत्र को भक्तों आपने इस प्रकार से, ये देखिए भक्तों, इस प्रकार से क्या होता है कि यह गौरोचन है, और गौरोचन को आपने लेना है, और आपने साथ ही में लेना होगा उल्लू का पंख, कौवे का पंख आपने भक्तों लेना है, और आपने गौरोचन की सहायता से और कौवे के पंख के द्वारा इस यंत्र को आपने उस रेशम के कपड़े के ऊपर लिखना है। बिल्कुल, इस यंत्र को आपने रेशम के कपड़े के ऊपर बना लेना है, और जिस व्यक्ति को आप नामर्द बनाना चाहते हैं, उस व्यक्ति का आपने नीचे इस यंत्र के नीचे नाम और जाति, गोत्र और उसकी उम्र आपने लिख देनी है। बस भक्तों, इतना करने के बाद सोमवती अमावस्या के सुबह सुबह आपने इस यंत्र का निर्माण कर लेना है, और करने के बाद इस यंत्र को आपने सूर्य की किरणों के द्वारा सुखाना है, यानी कि सूर्य के समक्ष आपने यंत्र बनाने के बाद उस कपड़े को आप सूर्य के सामने लेकर जाएं और उसको वहां पर सुखाएं। और कुछ मिनट सुखाने के बाद भक्तों, आपने क्या करना होगा कि किसी भी तरीके से आपने इस यंत्र के, यानी कि जिस कपड़े के ऊपर आपने यह यंत्र बनाया होगा, उस कपड़े के ऊपर आपने उस व्यक्ति का पांव रखवाना होगा जिस व्यक्ति को आप नामर्द बनाना चाहते हैं। जी हाँ, अगर वह व्यक्ति, या तो आप उसके जूते के अंदर यह कपड़ा डाल दें, या फिर
उसके किसी भी तरीके से, यानी कि आप अपने जिस व्यक्ति को नामर्द बनाना चाहते हैं उस व्यक्ति का पांव उस रेशम के कपड़े के ऊपर पड़ गया जिसके ऊपर यह यंत्र बना हुआ है, तो उसका पांव उस यंत्र के ऊपर पड़ते ही आपका शत्रु हमेशा हमेशा के लिए नामर्द हो जाएगा। अब उसका पांव किस प्रकार से उस यंत्र के ऊपर रखवाना है ये आपको देखना होगा भक्तों। लेकिन सबसे आसान टोटका आज मैंने आपको बताया है, अगर आप कर देंगे तो आपका शत्रु हमेशा हमेशा के लिए नामर्द हो जाएगा। तो भक्तों यह बहुत ही सरल टोटका है, लेकिन किसी के साथ मजाक या आप गलत काम करने की चेष्टा से इस टोटके को बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे दुरुपयोग किए जाने वाले व्यक्ति के साथ हमेशा गलत ही होता है। तो आप इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखकर आवश्यकता पड़ने पर ही इस टोटके का इस्तेमाल करें। तो भक्तों अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिखाए नंबरों से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद भक्तों, जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।